ओके, तो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू दी सेवन्थ एपिसोड, जिसमें हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं बाकी के एरियाज़ जो हमारा लेफ्ट और जो हमारा रह गया था। तो बाकी के एरियाज़ हम लोग वो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी जैसे मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ, तो ऐसे हम लोग जो बाकी का जो कपड़े वाला पार्ट है और सब चीज़ें इस वाली वीडियो में सब कुछ आ जाएगा। ये हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है इस वाली सीरीज़ का, उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो हमारा जो ये आर्टवर्क का फुल टाइमलेस वीडियो होगा। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कर दो बस और क्या, और इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं जैसे एक बेस लेयर के साथ एक डार्क एरिया को दे रहा हूँ, क्योंकि सीधा डार्क करने से वो उतना ज़्यादा उसमें स्मूथनेस नहीं आता, तो इसलिए मैंने पहले लाइट कलर कर दिया, उसके बाद उसको डार्क कर रहा हूँ। तो उससे वो जो पेपर का टेक्सचर है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, जिससे एक स्मूथ सरफेस मिलता है। तो जो ये कपड़े का पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा हमें टेक्सचर मिल जाता है, क्योंकि ये ब्लेज़र जैकेट है तो इसमें हमें टेक्सचर मिल जाता है, तो उस पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अभी मैं बेस लेयर कर रहा हूँ, तो ऐसे हमने एक बेस लेयर करना है जिस उसको फिर प्रॉपरली ब्लेंड करना है। और एक जो टूल है वो मैं यूज़ करता हूँ, जो है मेकर स्पंज, उससे वो इतनी अच्छी स्मूथनेस आती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आपको एक स्मूथ सरफेस चाहिए। तो अभी मैं डिटेल दे रहा हूँ काफ़ी, और हाइलाइट्स भी दे रहा हूँ, जिससे वो और भी ज़्यादा जो उसकी शाइन है वो अच्छी आए। अगर आपको लाइट एरियाज रखने हैं तो जो आपके जो अपने ग्रिड लगाए हैं वो उसको मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डार्क एरियाज करते हैं तो वो ग्रिड वो अपने आप छुप जाते हैं। पर इसके लिए अगर हमें लाइट एरियाज को ड्रॉ करना है या लाइट शेडिंग करना है, तो उसके लिए हमें ग्रिड को निकालना होगा, क्योंकि वो अगर वो दिखते हैं तो लाइट शेडिंग में वो दिख जाते हैं कभी कभी, तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है और वो पूरे आर्टवर्क को भी ख़राब कर सकता है, वो इतना ज़्यादा गंदा लगता है। तो उस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अभी जो हमारा गले का एरिया है उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, मैं बेस लेयर कर रहा हूँ पहले एक सिंपल सा बेस लेयर, उसके बाद उसको धीरे धीरे हम लोग हाइलाइट्स भी कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क को देख के, और जहाँ पे लाइट है हम लोग उसको लाइट को देख के हम लोग एक हाइलाइट्स देते हैं। हाइलाइट्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, और ऐसे मैं और सीरीज़ बनाऊं या ना बनाऊं तो वो भी आप मेरे को बताना। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगता है तो मैं ऐसे और भी अच्छे अच्छे आर्टवर्क जो बड़े साइज़ के हैं वो लेके आऊँगा। तो कमेंट करो जल्दी जल्दी और बताओ मुझे। अभी जो हाइलाइट्स देना था, जो भी हमारे जो पेपर को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं पेपर में, और वो ना एक क्या हो जाता है, एक डल हो जाता है, जो हमारा हाइलाइट्स दी होती हैं वो ना वो शेडिंग के ज़रिए ऐसे छुप जाती है, तो उसको प्रॉपर से बाद में भी हाइलाइट्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हो कैसा रिज़ल्ट आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम फुल आर्टवर्क को बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। बाय।